अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने से मान में रखे। मंडे मॉर्निंग है और टाइम हो रहा है तकरीबन 10:45 बजे का। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ना स्लाइस जो है वो गरम कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ ब्रेड का नाश्ता, ब्रेड और एग बनाऊंगी। और जो है छोटा वाला बेटा वो एग नहीं खाता, वो स्ट्रॉबेरी जैम उसको जो है वो काफ़ी पसंद आया है, तो इस वजह से फिर वो वही लेगा। और मैं बाकी सबके लिए बनाऊंगी एग, हाफ फ्राई एग, और साथ में मैंने बनाई है चाय। दही भी है लेकिन ये कि दूध अभी जो है वो ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं फिर उसकी लस्सी ही बना लेती। तो रोज़ एक ही प्रॉब्लम होता है, सुबह उठें तो नाश्ता क्या करना है, लेकिन ये है कि फिर भूख लगे तो समझ भी नहीं आ रही, तो फिर मैं जो है रोटी बना लेती हूँ, सिंपल सी बना लेती हूँ। कभी बच्चों को स्क्वायर पराठे बना देती हूँ, कभी सर्कल पराठे बना देती हूँ बलों वाले, तो फिर बस ऐसे चलता रहता है। और बाहर से तो आपको पता भी नाश्ता जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो और काफ़ी जो है वो मखसूस जगह उन्होंने रखी हुई हैं, और तो इस वजह से फिर खुद भी अवॉइड कर रहे हैं कि बाहर का जो नाश्ता है वो ना ही करें अभी, तो बेहतर है। तो काफ़ी दिन पहले मैंने मंगवाए थे नान चने, वो भी बच्चों का दिल कह रहा था, काफ़ी दिल था कि हमने नान चने खाने हैं, तो इस वजह से फिर मैंने मंगवा लिए। तो उसके बाद फिर आपने कल देखा होगा मैंने आपके साथ हलवा पूड़ी और चने की रेसिपी भी शेयर की थी, तो फिर मैंने वही बना लिए घर पे। तो बाहर से मंगवाने से बेहतर है घर में बना लिए जाएं, तो इस वजह से फिर मैंने नाश्ता जो है वो उसका घर पे ही बना लिया। अच्छा जी, ये बच्चों का नाश्ता हो गया रेडी, तो मैं अब इनको ऐसे प्लेट्स बना के दे दूंगी। तो अपने लिए मैं जो है फुल फ्राई एग बनाती हूँ, मैं हाफ फ्राई नहीं खा सकती। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बजे का, तो आप देख सकते हैं दूध जो है बॉयल हो चुका है और जो है पकोड़े बन गए हैं। तो अभी सालन वगैरह कोई नहीं बनाया था, तो फिर जो है पकोड़े बना लिए। इसमें पालक और आलू और प्याज है और सब्ज़ मिर्च बनाई हुई है जो कि है इमली की चटनी वाली, इमली की जो है इमली का पेस्ट उसमें जो है ऐड करके, तो मेरे हाल में भी इसमें अभी नहीं बने। तो कभी कभी हस्बैंड भी जो हैं वो इस तरह के काम कर लेते हैं, मैं बच्चों के साथ स्टडी में बिज़ी थी, तो फिर वो जो हैं उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे बताओ कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो पकोड़े बना लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, तो फिर उन्होंने बना लिए हैं ये पकोड़े। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, तो साथ में बना लूँगी चाय। तो रोटी का तो भी कोई सीन नहीं है, मैंने अभी आटा भी गूंदना है, तो देखती हूँ कि फटाफट से आटा गूंद लूँ फिर रोटियाँ बना लूँ। तो मैं आपसे सालन में आज मैं बनाऊँगी कद्दू, सिंपल कद्दू बनाऊंगी, उसका सालन बनाऊंगी। बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं जल्दी से अब जो है आई थी वो ज़रा चले गए हैं काम से, तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी सी जाके हेल्प कर लूँ। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ अभी जो है पकोड़े, रोटी बच्चों को मैं खिला चुकी हूँ, बनाई थी, अब जो बाकी रह गए थे सब ने खाना वगैरह खा लिया, तो मैंने कहा चले ये भी फ्राई कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, पकोड़े जब बनते हैं तो ये हालत हो जाती है सारे जो स्टॉक की ना, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो फिर मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। मुझे था कि मैं एकदम मतलब अभी ही बना लेती हूँ, तो नहीं तो मैं इसको स्टॉप करने लगी थी। मेरे से जो मुझे गंदगी है ना वो बहुत बुरी लगती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। होता है ना कि जी किचन में भी, तो मुझे होता है किचन में भी मैं काम करूं तो साथ में जो है वो नीट होता रहे ना, तो ऐसे मैं सारा जो है बखेर के नहीं रखती। अभी मैंने फ़ौरन से बच्चों की चेयर्स वगैरह भी साइड पे करवाई कि आप साइड पे करें ताकि
जो है मैं अभी यहाँ से क्लीनिंग भी दोबारा करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आंधी चलने लग गई थी। तो अब तो जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, हो सकता है अल्लाह करे कि बारिश हल्की सी नॉर्मल सी हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा बारिश भी नहीं मांग सकते, फसलें खड़ी हैं, तो अल्लाह ताला किसी का भी कोई नुकसान ना हो, अल्लाह ताला जो है सबकी किसी के लिए भी कोई मुश्किलात जो है वो ना बने। तो जी दुआई कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ बनने में, अब इसमें थोड़ा सा इसका जो है ये रह गया मटीरियल, और ये मैंने अभी धनिया लिया था, और ये मैं आप देख सकते हैं ये कुकम्बर लिए हैं ख़त्म हुए हुए थे, तो और प्याज लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े जो है बना लूँ, क्लीनिंग के बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी ये देखिए मैं अभी क्लीनिंग करके और जो है पकोड़े बनाए थे, वो जगह भी सब क्लीन कर दी, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्लीन किए बगैर तो मेरा जो है गुजारा ही नहीं होता, तो ये जो है नीचे की भी क्लीनिंग कर दी है, और जो टमाटर ये सॉरी टमाटर कह रही हूँ खीरे और ये धनिया है, बस ये धनिया बनने वाला रह गया, और इसको मैं वॉश करके रख चुकी हूँ। ये देखें सब क्लीनिंग हो गई कंप्लीट, और बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये देखें ये कपड़े जो हैं वो वॉश किए हुए थे, तो मौसम सुबह से ही काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, तो फिर ऑटोमेटिक में ही इसको जो है वॉश कर लिया, मैनुअल में नहीं किया, तो फ़ौरन से करके तो फिर ऐसे मैंने नीचे ले आई, तो मैंने कहा फिर इजीली ये ड्राई खुद ही हो जाएंगे, तो फिर अभी मैंने यहाँ ला के डाल दिए हैं, क्योंकि रूम की जो है ऊपर वाले रूम की क्लीनिंग होने वाली थी, काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी आंधी की वजह से आ गई थी, तो फिर मैं नीचे ले आई, और नीचे की भी मैंने सारी जो है वो क्लीनिंग की है, तो बारिश में भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये कूलर पड़ा हुआ भी यहाँ पे जो है गीला हो गया, लेकिन है तार का ही जो है इसकी वायर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए जी अच्छा हो गया मौसम, तो यहाँ से मैं जो है क्लीन कर गई थी, डस्ट थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कभी मैंने क्या इसको पानी से करना है, ये खुद ही अभी बारिश हो जाएगी, क्योंकि बारिश बताई हुई थी कि बारिश होगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है क्लीन हो गया। जो है डस्ट थी वैसे थी ऊपर जैसे डस्ट डस्ट है, लेकिन शुक्र है कि बारिश होगी और डस्ट जो है वो ख़त्म हो गई। तो अभी मैं खाने में क्या बनाऊँगी, खाने में मैंने आपको बताया कि मैं कद्दू बनाना है, तो अभी मैं क्लीन करके आई थी, तो मैंने कभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो फिर जो है मैं बच्चे में भी इतनी सुस्ती आ गई कि बच्चे वर्क कंप्लीट करने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इस वजह से फिर मुझे ये है कि जल्दी से वर्क जो है कंप्लीट करे, और ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ और ये भी फ्री हो जाए। तो चलें फिर करते हैं थोड़ी देर तक बात। अच्छा जी यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय, और साथ में मंगवाए हैं मैंने बिस्किट और पकोड़े भी पड़े हुए हैं जो मैंने बना के रखे थे, हस्बैंड अभी आए हैं, तो फिर साथ में अब हम चाय इंजॉय करेंगे। तो मौसम जी बहुत अच्छा और खूबसूरत हो गया हुआ है, तो अब मैं बनाऊंगी वो चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट करना है। तो खाने में बस वो सिंपल सा जो है मैं कद्दू बनाऊँगी, साथ में रोटियाँ बनाऊँगी, आटा गूंदना है अभी, तो बस जी सारा दिन यही काम 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 ही है हाउस वाइफ को। तो और मुझे अपनी दुआओं में जो है याद रखिएगा, अपना अपनी फैमिली का, मुझे मेरे बच्चों को, हम सबको जो है हम सबको एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहना चाहिए एक दूसरे का। आप भी अपनी फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें इन दिनों में, और मुझे मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज का ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ, तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Bye-bye.